जी दोस्तों, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं कृष्ण मलिक मन्नर डेयरी फार्मिंग चैनल पर आज फिर से आप सभी भाइयों के साथ एक और नई डेयरी फार्म से जुड़ी जानकारी शेयर कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जब भैंस को सेप्टिक बन जाता है, इन्फेक्टेड हो जाती है। कई सारे भाइयों के इस चीज़ को लेकर जो है व्हाट्सअप आए हैं कि जी भैंस इन्फेक्टेड कैसे होती है, क्या कारण होता है हमारी भैंस इन्फेक्टेड हो गई और हम उसे कैसे जो है रिकवरी कर सकते हैं। क्योंकि भैंस अगर इन्फेक्टेड हो गई तो रिपीट ब्रीडिंग का शिकार होने लग जाती है, चाहे गाय हो या भैंस हो या कोई हीफर हो। तो इस वीडियो में हम पहले तो जानेंगे भाई कि सेप्टिक किस प्रकार से बनता है, क्या कारण होते हैं और कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे भी आपको इस प्रकार के अपडेट मिलते रहें। और साथ के साथ है फेसबुक या इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर भी फॉलो कर लें। और कुछ भाइयों के कमेंट आते रहते हैं कि जी आप नंबर पर जवाब नहीं देते हैं, तो जी बहुत सारे जो है कॉल भी हो जाती हैं और व्हाट्सअप भी हो जाते हैं, फिर भी कोशिश रहती है कि सभी को जो है उनके जवाब दिए जाएं, लेकिन फिर भी किसी कारणवश से किसी भाई का रिप्लाई नहीं किया जाता जी। तो हाथ जोड़कर उस चीज़ के लिए क्षमा है। चैनल स्क्रीन पर नंबर मैंशन है, इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप आप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भाई पशु को सेप्टिक किस प्रकार से बनता है, क्योंकि जहाँ पर पशुपालन अभी भी पिछड़ा है वहाँ पर लोगों को इस चीज़ का पता नहीं है। बहुत सारे को तो यही नहीं पता कि भाई डिस्चार्ज दे रही है या इन्फेक्शन पशु दिखा रहा है। तो पहले हम बात करते हैं डिस्चार्ज और इन्फेक्शन में। अगर पशु डिस्चार्ज देगा तो बिल्कुल पारदर्शी जो है आर पार दिखाई देने वाले साफ डिस्चार्ज दिखाई देगा, बिल्कुल पानी जैसा। वो इन्फेक्शन का डिस्चार्ज नहीं, वो डिस्चार्ज उसको हम कहेंगे पशु हीट में आया हुआ है। दूसरी बात, अगर पशु का जो है मटमैला सा हीट टाइम पे मटमैला दिखाया है या जो है सफ़ेद सफ़ेद जो है मवाद डाल रहा है, सफ़ेद सफ़ेद डिस्चार्ज डाल रहा है, मोटा डिस्चार्ज डाल रहा है, तो वो होता है इन्फेक्शन। तो इस प्रकार से आप पशु को पहचान सकते हैं कि भाई अगर पशु जो है हीट में है और उसने इस प्रकार के सिम्टम्स दिखाए तो ये डिस्चार्ज साफ है, तो हीट में, क्योंकि तो दोनों चीज़ें हीट में ही दिखाएगा। अगर पशु ज़्यादा इन्फेक्टेड होगा तो रूटीनल दिखाता रहेगा, 2-4 दिन छोड़ के फिर दिखा देगा मोटा जो है सफ़ेद डिस्चार्ज। उससे आप समझ जाएं कि पशु जो है इन्फेक्टेड हो चुका है, बे टाइम पे हिट पे आ रहा है। तो आज एक और चीज़ मैं बताऊं कि जिन भाइयों के जो है क्वेश्चन थे कि जी पशु इन्फेक्टेड होता कैसे है, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो जब आप पशु की एआई करवा रहे हैं, एआई के बारे में बात कर लेते हैं। अगर पशु के अंदर गन वगैरह लग जाती है, कई मेरे भाई जो एआई वर्कर हैं जिनको अभी एक्सपीरियंस नहीं है और इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, तो एक कारण ये भी हो सकता है, ठीक है जी। दूसरा, अगर आपने जो है पशु को मान के चले अभी क्रॉस करवाया है बुल से, और बुल से प्रतिदिन भैंसे क्रॉस होती रहती है, तो कई अगर कोई भैंस इन्फेक्टेड है, ठीक है जी, तो उस भैंस को क्रॉस करने के बाद बुल अलग अलग दिन फिर किसी भैंस को क्रॉस कर रहा है, या कोई काऊ बुल है तो फिर वो दूसरी गाय को कर रहा है, तो इस प्रकार से भी भैंस से इन्फेक्टेड गाय इन्फेक्टेड हो जाती है। लेकिन अगर आज हमने क्रॉस करवा दी और 15-20 दिन के बाद, 15-20 दिन तक हम बुल से कोई भैंस क्रॉस नहीं करवाते हैं, तो उस दरम्यान वो जो इन्फेक्शन पशु के जो है मेल जो है बुल के अंदर चला गया, तो वो 15 दिन के अंदर अपने आप ठीक है रिकवरी शरीर के हिसाब से कर लेता। अगर दिन प्रतिदिन वैसे जो है क्रॉस होती रहेंगी, उसमें इन्फेक्टेड भी होंगी नॉन इन्फेक्टेड भी होंगी, तो एक ये भी कारण है एक पशु से दूसरे पशु में इन्फेक्शन के होने का। और कई बार ये भी देखने में आता है कि जब हम पशु को एआई करवाते हैं लेकिन उसके कंसप्शन रेट डाउन है, लेकिन जो अंदर भ्रूण बनता है वो कई बार जो है अर्ली एम्ब्रोइंग डेथ जिसकी हो जाती, तो वहाँ से भी मैंने खुद अपने पशुओं में कई बार पहले ये बात नोटिस की है, तो पशु वहाँ से भी इन्फेक्टेड होने का खतरा हो जाता है। पहला नंबर था कि भाई पशु इन्फेक्शन का डिस्चार्ज कैसे दिखाता है। जिन भाइयों को नहीं पता है, जो दूसरी स्टेटों से हैं, पशुपालन व्यवसाय कम है, पशुओं के प्रति रुझान कम है, उनको मैं बता दूं, अगर बिल्कुल साफ और पारदर्शी डिस्चार्ज पशु ने हीट टाइम पे दिखाया तो वो इन्फेक्टेड नहीं है, और अगर मोटा गाढ़ा सफ़ेद डिस्चार्ज पशु ने दिखाया वो रूटीनल दिखा रहा है तो वो इन्फेक्टेड है। उस अवस्था में आपका पशु गाभिन नहीं ठहरेगा, तो उस अवस्था में आपको पशु का अपने का इलाज करवाना होगा। तो अभी इसी वीडियो में मैं आपको बता भी देता हूँ इलाज कैसे करवाएं। सबसे पहले तो आप अपने पशु को रूटीनल खनिज मिश्रण दें, क्योंकि जो उसके कंस्यूम करने की रेशियो है वो भी बढ़ेगी,
दूसरा, अगर आपका पशु को आप बच्चेदानी में दवा रखवा रहे हैं तो कौन सी दवा रखवाएं? लिक्सन दवा रखवाएं, वीरबैग कंपनी की आती है, बड़ा ही अच्छा रिजल्ट है। मैं खुद भी यूज करता हूँ, और भी मैंने कई सारी दवाई की यूज की है, लेकिन इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट है। दो चीजें होगी। तीसरा, अगर पशु कंसीव नहीं कर रहा, एक चीज मैं और बताता हूँ, रावी मेट्रा और कंसीरियो नाम की बोनस आती है, चैनल स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ, आप अपने पशुओं को जो है वो स्टार्ट कर दें, जब दवा रखवाए तभी से स्टार्ट कर दें, और फिर उसको आप कंटिन्यू 21 दिन तक खिलाएं, दोनों डिब्बियों में से एक एक बोलस। उस दरम्यान अगर आपका पशु हीट में एक बार और आ जाता तो उस हीट को छोड़ के नेक्स्ट हीट में AI करवा दे, तो आपका पशु कंस्यूम कर लेगा। तो ये तो जो चीज़ें मैंने बताई हैं कि भाई पशु जो है इन्फेक्टेड कैसे, कैसा डिस्चार्ज दिखाता है, और हीट का डिस्चार्ज कैसा होता है, उसकी रिकवरी कैसे हम कर सकते हैं, और हीट जो है इन्फेक्टेड होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, और अगर मान के चले पशु ने डिलीवरी के अंदर थोड़ी बहुत प्लेसेंटा रह गई, पशु का छटाव अच्छे से नहीं हुआ, तो बाद में वो भी एक इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से आपके समझ में भी आ गई, तो उस वीडियो को और भी फार्मर्स भाइयों के साथ आप शेयर करें, ताकि जहाँ पर पशु वो कुछ जो है पशुपालन पीछे है, डॉक्टरों का अभाव कम, इस प्रकार से उनकी हेल्प हो सके। और कोई आपका क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम पर छोड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पर छोड़ सकते हैं, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, या व्हाट्सएप या जो है कमेंट के माध्यम से भी आप हमें बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, साथ के साथ फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर ले, ताकि आगे भी आपको इस प्रकार की अपडेट मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए और शेयर करने के लिए सभी फार्मर्स भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया।